प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली में मुलाकात होने वाली है। जी हां, सही सुना आपने, नीतीश और मोदी का आमना सामना शनिवार को दिल्ली में होगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने के बाद पहली बार मोदी से मिलने वाले हैं। मोदी नीतीश की इस आगामी मुलाकात ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है। चलिए आपको बता दें कि आखिर क्यों मिलने वाले हैं मोदी और नीतीश। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 के विदेशी मेहमानों के सम्मान में 9 सितंबर यानी शनिवार को डिनर दिया है। इस विशेष रात्रि भोज में शामिल होने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण भेजा गया है। खबरों की माने तो शनिवार सुबह नीतीश इस भोज में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली पहुंचकर इस रात्रि भोज को अटेंड करेंगे। बता दें कि इस भोज में नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और मौके पर नीतीश और मोदी का आमना सामना होगा। इस दौरान सिर्फ नीतीश ही नहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया के हिस्सा रहे कई सीएम भी मौजूद रहेंगे, जैसे कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के सीएम भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रात्रि भोज में शामिल होंगी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी रात्रि भोज में शामिल होंगे। खबरों की माने तो भोज में कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं शामिल होंगे। बता दें कि ये भोज शुरू से ही चर्चाओं में है। G20 के इस डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, जिससे विपक्ष खफा था और तब से भारत और इंडिया को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई थी। इंडिया के कई नेताओं की ओर से निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर आपत्ति जताई गई थी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। खैर, बड़ी बात यह है कि नीतीश भोज में शामिल हो रहे हैं और मोदी से उनका सामना भी होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिश्ता बेहद खास है। एक दूसरे पर दिए इनके बयान और इनकी मुलाकातें खूब सुर्खियां भी बटोरती हैं। देखना होगा एनडीए से अलग होने के बाद जब पहली बार नीतीश मोदी का आमना सामना होगा तो क्या दोनों गले मिलेंगे, हाथ जोड़कर अभिनंदन करेंगे या नजरअंदाज करेंगे। पटना से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।